वाह भोसड़ी के, वाह वाह वाह, इतने बुरे दिन आ गए ना मेरे भाई। सड़क पे केले बेच लूंगा, लेकिन एमएलएम जानवर की जुनी में भी नहीं करने का। कैसे हो आप लोग, वापस मैं आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो को लेकर। इस वीडियो में बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। दोस्तों लक्ष्य चौधरी का नया वीडियो आ चुका है जो कि एमएलएम के रोस्ट के ऊपर होने वाली है। एंड इस बार उन्होंने किसी खास कंपनी को टारगेट नहीं किया, बट उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो लॉकडाउन के टाइम पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियो एंड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी ने क्या कुछ कहा। ये कौन सा बिजनेस है जिससे तुम हर किसी को जोड़ना चाहते हो, हर किसी को? अगर मेरे दोस्त का मेडिकल स्टोर है, हर्ष ढाका की मेडिकल एजेंसी है, बहुत बढ़िया चल रही है भैया, थोक के भाव में बिक रही है दवाइयां, बहुत फायदे की है, तो क्या पूरे शहर को मेडिकल एजेंसी खुलवा दे हम? अब बस हर कोई दवाई बेचेगा तो खरीदेगा कौन? उसी तरह अगर हर कोई तुम्हारी एमएलएम कंपनी में जुड़ गया तो वे सर्फ साबुन खरीदने वाले कहां बचेंगे? लेकिन असल बात ये है कि तुम्हें शॉर्ट पीरियड के लिए एक बकरा चाहिए होता है, उसका उल्लू बना के या तो तुम डायरेक्टली उससे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस ले लेते हो, या फिर इनडायरेक्टली कह के कि हमारे यहाँ तो कोई ज्वाइनिंग फीस है नहीं, और धीरे धीरे उसका ब्रेन मोस्ट करके उसको कोई स्टार्टर पैक दे दोगे, उसको कोई वेलकम पैक दे दोगे। अरे भैया कोट वोट और दो चार सामान तो देखो खरीदने पड़ेंगे, वरना काम ही कैसे शुरू होगा। इतने दिल के अच्छे तुम हो नहीं। एक बार उसने पैसे दिए, उसके बाद वो जुड़ गया, दूसरों का चूतिया काटना शुरू कर दिया उसने, तो बहुत अच्छे। और अगर उसको अकल आ गई, किसी ने समझा लिया कि भैया बस जितने गए गए, अब और चूतिया मत कटवा, तो वो निकल के चला जाएगा, तुम्हारा तब भी फायदा है, कोई दिक्कत। तो एक एमएलएम कंपनी का बंदा था जिसने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें उसने बताया था कि एमएलएम जो है इंडिया में लीगल है एंड दिल्ली के यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो देखिए उसका रिप्लाई देते हुए लक्ष्य चौधरी ने आज अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा। नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर कोर्स की किसी पर्टिकुलर किताब में कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, और नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट ने लीगल कर रखी है, ये इन लोगों का कहना है, इन लोगों का मानना है। तो भाई लीगल तो गवर्नमेंट ने सेक्स भी कर रखा है, लेकिन कुछ शर्तें हैं ना कि दोनों पार्टनर की मर्जी से होना चाहिए। अगर एक पार्टनर दूसरे को मैनिपुलेट करके या अपनी बातों में बहला फुसला के या झूठे प्रोमिसेस करके करता है तो वो क्या है? वो क्राइम है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी थी ना, अब उस गाइडलाइन को कोई एमएलएम कंपनी फॉलो नहीं करती, वो नेटवर्क मार्केटिंग अलग ही चीज थी। अब तुम ये कहो कि नहीं नहीं हमारे वाली तो वही है, नहीं है, तुम लूप होल्स का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो फेक लाइफस्टाइल दिखा के, फेक चीजें दिखा के, झूठे प्रोमिसेस करके, और डायरेक्टली कोई भी बात उनके सामने पहले ही दिन बिना खोले, तो ये भी एक क्राइम है। दोस्तों लक्ष्य चौधरी ने बताया कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, बट उसके लिए आपको इस वीडियो पे टोटल 15,000 कमेंट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं यह टारगेट कब तक पूरा होता है। तो आज की वीडियो होती यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।